राजेश गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 की रिमेनिंग सिलेबस के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जो आपका सेक्शन नंबर ए है, यानी कि जो आपका साइंस वाला सेक्शन होगा ना, उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है, साइंस और मैथ्स को। यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं साइंस और मैथ्स को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। आज आपकी साइंस की एक वीडियो आई होगी, साइंस की वो आपकी लास्ट वीडियो थी, इसके बाद आपकी कोई भी वीडियो नहीं आएगी। और साथ में हमने क्लास टेंथ की पूरी मैथ भी कंप्लीट करा दिए। यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स रह गए थे उनकी मैं लिंक आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा मैथ्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइंस और मैथ्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ तो हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है वो तो हमारा पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट आपको करके आ जाना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट बोल लेते हैं रीजनिंग के बारे में, तो मैं आपको रीजनिंग के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए, रीजनिंग के मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर रह गए। एक जो चैप्टर आपका रह गया वो है ब्लड रिलेशन का, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का एक चैप्टर रह गया, और साथ में 2 और चैप्टर रह गए। एक जो चैप्टर है वो है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काउंटिंग ऑफ फिगर जो होगा ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस तरीके से बना के दे देगा और यहाँ पे बोलेगा बताओ कितने ट्राइंगल्स है, आपको काउंट करके बताने, तो इसको बोलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। तो एक तो ये वाला चैप्टर आपका रह गया है, और एक और हमारा लास्ट चैप्टर रह गया, उसका नाम है आपका पेपर फोल्डिंग, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पेपर फोल्डिंग वाला जो चैप्टर है, एक तो वो रह गया। तो रीजनिंग के में हमारे जो है 3 चैप्टर्स रह गए। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ब्लड रिलेशन के लिए बोल रहे हैं तो इसको हम नहीं करेंगे अभी, इसको हम बाद में करेंगे जब टाइम बचेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ना के बराबर आए थे। पिछली बार एक भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन जो है उससे नहीं आया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अभी तक बचा के रखा हुआ है। यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है ना, वो हमारा है काउंटिंग ऑफ फिगर। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, फिर उसके बाद हमारा पेपर फोल्डिंग, इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर अगर टाइम बचता है तो हम ब्लड रिलेशन करेंगे, वरना मैं तो भाई अपनी तरफ से इसको छोड़ दूंगा। आप सभी को ये जिम्मेदारी है कि आप इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि फिर बाद में मेरे को आप कंप्लेन ना करो कि भैया आपने बोला था इसको छोड़ दो तो हमने छोड़ दिया, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं आया था, इस ईयर आ सकता है, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता। जिसका आ सकता है उसको मैं बता दे रहा हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर का आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो हम सबसे पहले आपको इसको कंप्लीट कराएंगे काउंटिंग ऑफ फिगर को, फिर पेपर फोल्डिंग को हम कंप्लीट कराएंगे। तो आपके 3 ही चैप्टर रह गए, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी आप सभी को, भैया आप रीजनिंग नहीं करवा रहे हो, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पेपर से पहले पहले, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कल आपकी 4 तारीख हो जाएगी, 4 के बाद आएगा आपका 5, 6, यानी कि 3 दिन बचे हुए ना, इनमें मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा 5 तारीख को ये, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता हूँ कि कंप्लीट हो जाए आप सभी का, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि भाई हमारा इंग्लिश के लिए क्या होगा, जैसे आपको पता है कि एक आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल वाला भी तो एक सेक्शन है ना, तो उसकी हम कहाँ से करें, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही है। आपको पूरा का पूरा बुक का मैंने PDF प्रोवाइड कराया था, उसके अंदर जाके आप पढ़ लीजिएगा, वहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, क्लियर चीज़ें हैं आप लोगों को, राइट। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके से आपको प्रिपरेशन वगैरह करना है। हमारे चैनल पर सारा कंटेंट उपलब्ध हो चुका है, बस और सिर्फ आपको ध्यान रखना है इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश के लिए हम ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और साथ में स्टूडेंट हम बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैंने रूल एंड रेगुलेशन की वीडियो, गाइडेंस की वीडियो, साथ में एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो चुका है, उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रखी है। किंग्स इंडिया के बुक की PDF आपको प्रोवाइड करा रखी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अब कट ऑफ के लिए स्टूडेंट कह रहे थे भैया कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाओ, तो जल्दी हम उसके लिए भी वीडियोस बना देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम अभी के लिए इतना ही, अभी हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए था कि अब तक हमने कितना कर लिया, कितनी चीज़ें बाकी रह गई हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट ने लास्ट तक देखा है, तो आप सब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जितने भी आपके अपडेट वगैरह होते हैं ना, मैं उसको तुरंत वहाँ पर भेजता रहता हूँ। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।